पर ही हेयर रिमूवर क्रीम जिसका मैं हॉनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ गाइस, ये सॉफ्ट सिल्की एलोवेरा प्रोडक्ट्स है और इसकी प्रीमियम क्वालिटी स्टेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है एंड 50 ग्राम का पैक जैसे 70 रुपीज़ की प्राइस है। इंटीरियर पैकेज भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये इस तरीके से है, काफ़ी सॉफ्ट और पैकेजेस में है और इसमें एक स्टिक भी रहता है जो कि आपको हेयर रिमूव करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। गाइस ये प्रोडक्ट्स आपको किस तरीके से यूज करना मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये नॉर्मल हेयर पर आपको 5 मिनट तक अप्लाई करना है एंड हार्ड हेयर पर आपको 7 मिनट तक रखना है, 7 मिनट के बाद ही आपको यूज करना है मतलब रिमूव करना है। इसके टेक्सचर्स आपको बहुत ही ज़्यादा ना मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला यूज करना है एंड हेयर को कवर करने तक आप इसे अपने बालों पर लगाएं जो कि हैंड पर या अंडर आर्म्स एंड बिक्लीन आइज एंड फुल बॉडी में आप कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हो, ओनली फेस को छोड़ के, क्योंकि फेस के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं एंड इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एलोवेरा फ्रेग्रेंस के साथ ही प्रोडक्ट्स हैं। बहुत से ऐसे हेयर रिमूवर आते हैं जो कि इसकी बैड स्मेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी फील होती है, बट इसके प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रकार का कोई एलर्जी नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राइनेस है, तो उन सब के लिए बहुत ही खास है एंड नॉर्मल स्किन वाले आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पैकेजेस दिखा रहा हूँ, ये वाला आता है नॉर्मल स्किन के लिए एंड ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, सो सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं और नॉर्मल स्किन वाले दूसरा प्रोडक्ट यूज करें, इसी का अलग आता है। इसे आपको जब भी हेयर्स रिमूव करना हो तब इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हेयर रिमूविंग करने के बाद आपका हेयर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, 15 दिन 10 दिन के बाद ही आपको हेयर रिमूवर नेक्स्ट चांस रहेंगे। एंड गाइस ये काफ़ी बिग पैकेज है और मुझे लगता है कि आपको अंडर आर्म्स एंड बिकनी लाइंस हैंड लेग्स में तो हो ही जाएंगे। ओके गाइस, वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।